दोस्तों हिंदी सिनेमा में कुछ अभिनेत्रियां लंबे दशक तक काम करने के बाद भी वह नाम वह मुकाम हासिल नहीं कर सकी जो कुछ अभिनेत्रियों ने अपने बहुत ही कम समय में कर लिया। और यदि बात 90 के दशक की जाए तो उस दौर का गाना लाल दुपट्टे वाली भला कौन भूल सकता है, और इसी गाने को लेकर फेमस हुई लाल दुपट्टा गर्ल रागेश्वरी लुम्बा, जिनकी कहानी आज हम आपको अपनी इस वीडियो में सुनाएंगे। दोस्तों रागेश्वरी लुम्बा अपने समय की बेहद खूबसूरत अदाकारा रह चुकी हैं। रागेश्वरी ने हिंदी सिनेमा में भले ही बहुत कम फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से करियर में सभी को अपनी अदाओं से दीवाना बना लिया और आज भी सभी के दिलों में बसी हुई हैं। बता दें कि अपने ग्लैमरस अंदाज और खूबसूरती को लेकर चर्चित रागेश्वरी को मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और आंखें जैसी सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, फिल्मों के अलावा इन्होंने संगीत कला में भी अपनी रुचि दिखाई और अपनी प्रतिभा से खूब नाम कमाया। लेकिन आज सभी जानना चाहते हैं कि अब रागेश्वरी कहाँ हैं और क्यों इतनी महान प्रतिभा के धनी होने के बावजूद उन्होंने फिल्मी जगत की दुनिया से इतनी दूरी बना ली। तो दोस्तों आज हम हमारी वीडियो में रागेश्वरी के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके करियर और आज के जीवन से जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे, साथ ही बताएंगे कि अब रागेश्वरी कहाँ हैं और किसके साथ रहती हैं। यदि आप जानना चाहते हैं रागेश्वरी के सभी राज तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें रागेश्वरी के प्रारंभिक जीवन की तो इनका जन्म 25 जुलाई 1977 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सिलियम नर्नरी सेकेंडरी स्कूल मुंबई से पूरी की। बचपन से ही इनको ग्लैमर की दुनिया अपनी ओर आकर्षित करती थी और अपने इस शौक के चलते उन्होंने बहुत ही कम उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख लिया। बात करें इनके करियर की तो रागेश्वरी को पहली बार काम 1994 में आई फिल्म जिद में मिला, लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तब उनकी दूसरी फिल्म आ चुकी थी। इसलिए रागेश्वरी की डेब्यू फिल्म 1993 की आंखें हैं और इसी फिल्म से उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली। बता दें कि फिल्म आंखें डेविड धवन द्वारा निर्देशित और अनीस बज्मी द्वारा लिखित हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में अभिनेता गोविंदा दोहरी भूमिका में नजर आए और साथ ही चक्की पांडे ने भी अपनी भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और साथ ही 1993 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। फिल्म में रागेश्वरी के अभिनय को सभी ने खूब पसंद किया, उनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने हो गए। इसके बाद रागेश्वरी को और भी कई फिल्मों में ऑफर आए, जिसके बाद वह 1994 में चंपक जैन की फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में नजर आई, जिसमें इनके अपोजिट अभिनेता सैफ अली खान नजर आए। साथ ही फिल्म में फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता अक्षय कुमार भी मौजूद रहे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, साथ ही इस फिल्म के गाने आज भी लोकप्रिय हैं। इस फिल्म के बाद रागेश्वरी ने दिल आ गया 1997 की, दिल कितना नादान है 2002 की, तुम जियो हजारों साल और मुंबई से आया मेरा दोस्त जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने एमटीवी पर 1, 2, 3 और बार बार देखो, सोनी पर कुछ कहती है ये धुन, बीबीसी के लिए क्वेस्ट और टेन स्पोर्ट्स पर वन ऑन वन विद रागेश्वरी जैसे टेलीविजन शोज भी किए। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में बहुत ही कम फिल्में की क्योंकि उन्हें एक्टिंग से ज्यादा सिंगिंग में ज्यादा रुचि रही, इसलिए वह सिंगिंग में भी अपनी पहचान और अपना नाम कमाना चाहती थीं। कहा जाता है कि लगभग 22 साल की उम्र में ही रागेश्वरी ने अपने गाने लिखने और भेजने शुरू कर दिए थे, इसलिए कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में नाम कमाना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ टैलेंट के साथ साथ किस्मत का साथ जरूरी होता है और शायद किस्मत रागेश्वरी के साथ नहीं थी, जिस वजह से उनका म्यूजिक एल्बम हर जगह रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता और भाई के साथ मिलकर अपना पहला एल्बम दुल्हनिया रिलीज किया। उन्होंने इस एल्बम में खुद एक्टिंग भी की। इसके अलावा रागेश्वरी को नेक्स्ट डोर गर्ल वाली इमेज में अपनी शानदार आवाज को लेकर उन्होंने खूब प्रसिद्धि हासिल की। साथ ही इस एल्बम ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। अपने इस एल्बम के लिए रागेश्वरी ने न सिर्फ ढेरों अवार्ड्स जीते, इसके साथ ही वह 90 के दशक की सबसे बेहद पॉपुलर पॉप स्टार बन गई। इनका करियर बहुत ही शानदार चल रहा था और अपने कॉन्सर्ट के लिए देश विदेश में घूम रही थी। वह अपने सपनों को अपनी असल जिंदगी में जी रही थी और जिस वक्त वह अपने गाने इक्की चिक्की चिकिता की तैयारी में थी तभी उन्हें मलेरिया जैसी बीमारी ने घेर लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गाने इक्की चिक्की चिकिता की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी की, जिसके लिए उन्हें खूब सराहना मिली। कुछ ही हफ्ते बाद रागेश्वरी को पैरालिसिस अटैक पड़ा, जिसे इंग्लिश में बेल्स पाल्सी कहते हैं। हुआ यूं था कि एक दिन सुबह जब रागेश्वरी उठकर ब्रश करने गई तो अपने मुंह पर पानी को रोक नहीं पाई। अचानक अपनी यह हालत देखकर वह बेहद घबरा गई
उन्होंने अपनी मम्मी को आवाज लगाई और उनके साथ हॉस्पिटल गई। रागेश्वरी का कहना था कि डॉक्टर को भी इस स्थिति के बारे में पता करने में 2 दिनों का समय लग गया, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में भी किसी को यह हो सकता है। उनके चेहरे और चेस्ट का आधा हिस्सा सुन हो गया था और जब उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उनके होंठ मेरे कान तक पहुंच गए थे। वह कुछ बोल नहीं पाई। उनका फेस इस कदर खराब हो गया कि वह अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। बाद में डॉक्टर्स की सलाह लेने पर उन्होंने इसकी थेरेपी लेना शुरू किया और थेरेपी के चलते उनकी दिलचस्पी योगा में बढ़ी और अगले वर्ष तक उन्होंने विद्युत उत्तेजना और फिजियोथेरेपी योग की मदद से खुद को ठीक कर लिया। सभी डॉक्टर यह देखकर हैरान थे कि उन्होंने कभी स्टेरॉयड नहीं लिया, यह बस योगा और आत्मविश्वास से वह पूर्ण रूप से ठीक हो गए। इस बात पर रागेश्वरी का कहना था कि योगा से शरीर के सभी अंगों तक खून का संचार होता है और यह बड़ी से बड़ी बीमारी का एकमात्र इलाज है। रागेश्वरी ने बहुत ही बहादुरी से अपनी इस बीमारी का सामना किया और खुद को ठीक भी कर लिया। हालांकि इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उनका करियर बुरी तरह से खत्म हो गया था। कई नई अभिनेत्रियों ने हिंदी सिनेमा में उनकी जगह ले ली थी और साथ ही अब उन्हें गाने में भी दिक्कत होने लगी थी, लेकिन इनकी हिम्मत और हौसला हमेशा सराहनीय रहा। एक गंभीर बीमारी से उबरने के बाद भी वह निराश नहीं हुई और उन्होंने फैसला लिया कि वो गाना नहीं गाएंगी और अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगी, और वह अपने फैसले पर कायम रही, जिसके चलते रागेश्वरी बेल्स पाल्सी से लड़ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आई और योगा की मदद से बहुत से लोगों को ठीक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो इनके पिता का नाम त्रिलोक सिंह लुम्बा है, जो कि एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। त्रिलोक सिंह लुम्बा को सागरी रेन और अनटाइटल्ड के लिए जाना जाता है। रागेश्वरी की मां का नाम वेरा लुम्बा है। साथ ही रागेश्वरी के एक भाई भी हैं जिनका नाम ऋषभ सिंह लुम्बा है। रागेश्वरी ने 27 जनवरी 2014 को लंदन के मानवाधिकार वकील सुधांशु स्वरूप से मुंबई में शादी की। अपनी शादी के वक्त रागेश्वरी की उम्र 38 वर्ष थी। बता दें कि रागेश्वरी ने अपनी शादी की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अपने माँ पापा पर छोड़ दी थी और उनके माँ पिता ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही सही ढंग से निभाया और उनके लिए एक सही जीवन साथी का चयन किया। रागेश्वरी ने बताया कि वह शादी से पहले ऋषभ से चैट पर बात किया करती थी और ऋषभ से प्यार होने के बाद ही उनसे उन्होंने शादी की। शादी के बाद उन्हें 11 फरवरी 2016 को लंदन में एक बच्ची हुई। रागेश्वरी और सुधांशु स्वरूप की बेटी का नाम समया स्वरूप है, जो कि रागेश्वरी की तरह बहुत सुंदर दिखती हैं। रागेश्वरी इन दिनों अपने पति और बेटी के साथ लंदन में रहती हैं और वह अपने परिवार के साथ बेहद खुश भी हैं। वह अभी फिल्मों में वापसी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। उनका कहना है कि वह अभी अपनी बेटी की परवरिश पर ध्यान देना चाहती हैं। रागेश्वरी अक्सर अपनी बेटी की फोटो सोशल नेटवर्क साइट्स पर अपलोड करती रहती हैं और 45 वर्षीय रागेश्वरी आज भी 25 वर्ष की दिखती हैं। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता वह इतनी ज्यादा उम्र की हो गई हैं। बता दें कि उन्होंने काफी अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखा है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।